शरीफ है ना? हे जानू आ गई। अरे जानू, हाय जानू, हाय जानू, हाय जानू, कैसी हो? बहुत दिनों बाद। ये लो, सबके साथ शेयर करना, ओके? हाँ, से थैंक यू, थैंक यू। अरे शुभा भी आई है, चलो उससे मिलते हैं। कैसे हो? सॉरी थोड़ी देर हो गई। पर शुक्र है तुम आ तो गई हो, इतना ही काफी है। आ जाओ। आ गई, अब तो खुश। थैंक यू। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आओ बैठो। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। कौन सा महीना चल रहा है? सातवां। वाह, देखो दूसरी बार की तैयारी है। सोचा नहीं था इतने लोग आएंगे, तुम्हारी करामत है ना। हाँ ठीक है यार। अरे पूछो मत, यकीन तो मुझे भी नहीं था। मैंने सोचा सब हाँ कहेंगे और आएगा कोई नहीं। अच्छा हुआ कि मैंने एक्स्ट्रा खाना मंगवा लिया था। और देखो सभी आ गए, और जब से ये आया है आइसक्रीम ही खाता जा रहा है। पूछो इसे जरा कितनी खाई है इसने। जाओ। मुझे लगा था तुम नहीं आओगी। ए गधे। अबे ओए, तू क्या छोटा बच्चा है, गुब्बारा लेके खड़ा है? चल आजा। तू जा। चलना। तू जाना। जानू आ चुकी है, चलना। तू जा। अबे कहाँ ना, तू जा। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ये कोई स्कूल के दिन नहीं है। जा रहा है क्या? और दूँ एक। जा। ज़्यादा हाथ में चला। अब जाना। पिछली गर्मियों में मैं अपने हस्बैंड और बेटे के साथ सिंगापुर में थी। अच्छा। अगर मुझे पता होता कि तुम वहाँ हो तो पक्का मिलती। अपनी बेटी की फोटो दिखाओ। ए कहाँ है वो? मैंने बुलाया तो मार रहा है मुझे, तुम ही जाके बुलाओ। तुम भी ना। क्या हुआ? वो राम भी आया हुआ है, वो वहां छुपा हुआ है। बाकी सब कहाँ पर हैं? तू तो मेरी तरफ देख ही नहीं रही। सारी सारी मैं कहाँ कहाँ गई, पता नहीं नए क्लास में कौन सी टीचर है। बहुत अच्छा था। गुड मॉर्निंग मिस। गुड मॉर्निंग। आसें तंबी। प्रेजेंट मिस। सिल्वम। प्रेजेंट मिस। अनुराधा। प्रेजेंट मिस। अरविंदन। प्रेजेंट मिस। अरुण कुमार। प्रेजेंट मिस। भवानी। प्रेजेंट मिस। बालमुर्गन। प्रेजेंट मिस। देवनाथन। प्रेजेंट मिस। जानकी देवी। प्रेजेंट मिस। जय गणेश। प्रेजेंट मिस। सर्पस्वामी। प्रेजेंट मिस। मुरली। प्रेजेंट मिस। नंदिनी। प्रेजेंट मिस। प्रियदर्शनी। प्रेजेंट मिस। राजमोहन। प्रेजेंट मिस। राजेश कनन। प्रेजेंट मिस। सतीश। सिल्वम। प्रेजेंट मिस। राम सुंदर। प्रेजेंट मिस। सौम्या। प्रेजेंट मिस। सुभाषिनी। प्रेजेंट मिस। उदय शंकर। मिस आपने केराम चंद्रन का नाम नहीं पुकारा। रजिस्टर में उसका नाम नहीं लिखा है, हो सकता है वो किसी और क्लास में हो। रिसेस में चेक कर लेना।
हमारे क्लास में नहीं है, मुझे लगा तुम्हारी क्लास में है। के रामचंद्रन, उसने तो अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट ले लिया, तुम्हें पता नहीं है कैसे दोस्त हो? उसने ट्रांसफर सर्टिफिकेट क्यों लिया होगा? ए, तू भाई भाई बोलती है ना, तुझे नहीं मालूम किधर गया वो? मुझे सच में कुछ नहीं पता, मैं तो आज सुबह ही कुंभकोणम से वापस आई हूँ। बिना किसी को बताए चला गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। ए, घबराओ मत, आज शाम को उसके घर चलते हैं, सब पता चल जाएगा। बच्चों, क्या कर रहे हो? वो घर बंद है। राम। कौन? कृष्णमूर्ति अंकल। घर में कोई नहीं है क्या? वो कृष्णमूर्ति ना, वो तो चले गए कब के। राम, हाय। पहचाना मुझे? जानू। कैसे हो तुम राम? हाँ अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? सपना सा लग रहा है ना कि हम यहाँ इस तरह मिल रहे हैं। 20 साल हो गए, अब नहीं असल में 22 साल। अब तुम तो बिल्कुल ही पहचान में नहीं आ रहे। जब हम आखिरी बार मिले थे तब तुम्हारी मुझे नहीं थी। अब क्या कर रहे हो तुम? ट्रैवल फोटोग्राफर। चुराने की बात। मैं ठीक हूँ। तो चुप कर। ए, बस 5 मिनट के लिए तुम्हारे साथ था, ऐसा क्या कह दिया इसे? थैंक्स। बैठो। तुझे और कुछ चाहिए? बैठो ना। पहले पानी पियो। हाँ पीता हूँ। तो ठीक तो है ना? हाँ हाँ। इतने सालों बाद मिली है तुझे और तू बेहोश हो गया। कुछ नहीं, वो फिसल कर गिर गया। जानू, इसने तुमसे बात भी किया, बस देखता ही रह गया। सॉरी। ये इतनी दूर सिंगापुर से यहाँ आई है, हालचाल पूछेगा कि नहीं? ये बचपना छोड़, इसकी शादी हो चुकी है, एक बेटी है, कुछ पूछा इसके बारे में? बेवकूफ कहीं का। खाना खा लिया तुम सबने? नहीं, तुमने खाया? नहीं, मैं वो फ्लाइट में कुछ खाती नहीं हूँ। ओह अच्छा। ओ पागल, जा उस पेड़ को छू करा, जा। क्यों? ठीक है ठीक है। हेलो, कहाँ से? दुबई से। अगर जल्दी आए तो तुम्हारी खैर नहीं। सारे पेड़ छू के आऊंगा। ए, ये सब क्या है? ये सही नहीं है, मैं कह रही हूँ। प्यारी भाभी, मेरे लिए ये रिश्वत थी या फिर कुछ और? मेरी प्यारी ननन, अब आप उठिए और उस पेड़ को छूकर वापस आइए। जाइए जल्दी। आ? जाइए। Ugh.
थैंक यू। तुम नहीं खाओगे? नहीं, तुम खाओ। फोन। बाकी तो सब ओके है। हाँ, वो तो दिखाई दे रहा है। अरे फोन उठाओ ना। उन्हें तो मुझे वो हाथी और चूहे की कहानी याद दिला दी। हाँ जी बोलिए सर। अरे ये क्या है, ये कुछ बात भी करेंगे या नहीं? जी सर, मैं भी यही सोच रहा हूँ। लग रहा है जहाँ छोड़ा था वहीं पहुँच गए हैं, वापस स्कूल में। बिल्कुल सर, मुझे भी यही लग रहा है। बस कुछ गड़बड़ ना हो जाए, हमने जो सोचा था ये तो उसका उल्टा हो रहा है। फिर इसके अलावा और क्या? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा सर, डोंट वरी। तुमने कुछ खाया नहीं ना? ये लो, खत्म करो इसे। थैंक्स। क्या पता, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? मैं ये नहीं सोच रहा हूं। तो अगर इनके बीच यहाँ कुछ शुरू हो गया हाँ? और वहां सिंगापुर में इसके हस्बैंड को पता चल गया हाँ? और इसके पीछे हम दोनों का हाथ है, और अगर हम पकड़े गए तो समझो हमारी मन गई दिवाली, पोंगल, रमजान, गांधी जयंती। चुप भी करो ना, कुछ भी बोलते हो। अरे टिश्यू देना, ये लो। अच्छा है, ओके रेडी। हाँ मैंने भी देखे थे। ए यहाँ देखो ना। ए सुनना, तुझे वहाँ वॉचमैन चाचा मिला था? सिंगापुर में रहती हो ना, दोबारा पता नहीं कब आना होगा। तुम गई हो क्या वहाँ? नहीं मैं कभी नहीं गई। अब ये है ना, मुझे भी नहीं पता तुमने नहीं गई। और वो एकदम अचानक से दरवाजा खोल के अंदर आ गया। उन्होंने पूछा ये क्या है? I like your hair. I like yours too. Twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are. और तुम्हें वो पता है, इस जगह की परमिशन कितनी मुश्किल से मिली है, और यहाँ के जो बल्ब है ना बहुत महंगे हैं। चाइना के बल्ब है वो वही मिलते हैं पता है, और केटरर्स जो है वो सिर में बहुत दर्द हो रहा है। रास्ते में कॉफी पीते हैं कहीं। चलो भाई गाड़ी आ गई, चलो चलो लेट्स गो। कितने दिन और रुकोगी? रुकूंगी नहीं, कल सुबह की ही फ्लाइट है। इतनी भी क्या जल्दी है,
लास्ट मिनट बुकिंग पर मुझे टिकट ही नहीं मिली थी, बस यही एक कनेक्टिंग फ्लाइट थी और वो भी त्रिची से है। कम से कम 4-5 दिन तो रुक जाती। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तो फिर रुक ही जाओ ना। बेटी घर पर अकेली है, मेरे बिना नहीं रहती। ओ, बेटी का नाम क्या है? मीरा। ये देखो, मुझे दिखाओ, बहुत प्यारी है। दिखाओ ना। लो। ये सिंगापुर की फोटो है ना। काश मरने से पहले मैं भी दुनिया घूम लूं। लो। ए जानू, तुम्हारे सामने तुम्हारी बेटी को घूर रहा है। मैं स्कूल के टाइम पे ऐसे ही दिखती थी ना। हाँ। सभी ऐसा ही कहते हैं। इसीलिए कह रही हूँ भाई, सही वक्त पर शादी कर लेते तो तुम्हारे भी बच्चे होते। इसने अभी तक शादी नहीं की? नहीं। एक घुमक्कड़ से अपनी बेटी की शादी कौन करवाएगा? तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? वो बस क्योंकि पापा लड़की ढूंढ रहे हैं। ए राम, तू जाके गाड़ी निकाल। हाँ, हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, तुम कॉफी खत्म करो, मैं गाड़ी में इंतजार करता हूँ। ओए, कॉफी पी ली ना? हाँ। सरदर्द ठीक हो गया ना? हाँ। चलो निकलते हैं, बहुत देर हो गई। ला दो मुझे। चलो। तुम बताओ मुझे क्या हुआ है उसे? सुनो ना, तुम लोग उसके साथ मैंने सब गड़बड़ कर दी ना। अब ठीक है, चलो कोई बात नहीं। शादी के बारे में पूछते ही सब एक एक करके यहाँ से चले गए। तुम उसके साथ हमेशा रहते हो ना? उसके पापा। क्या पापा? सतीश, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, बताओ उसने शादी क्यों नहीं की? सुनो, तुम उसके साथ जा रही हो ना, पहले उसे ड्रॉप करना, बाद में तुम घर जाना। बताओ ना मुझे। ज्यादा सोचो मत, जा। अरे किधर जा रहा है? हमें पहले जानू को ड्रॉप करना था ना। नहीं, मैं पहले तुझे ड्रॉप करूंगा। पर ये रास्ता लंबा पड़ेगा। किसने कहा? बल्कि ये शॉर्टकट है। हाँ, वैसे किसने कहा कि ये शॉर्टकट है? बहुत घूम के जाना पड़ेगा। क्या बकवास है। अब क्या मैं गूगल मैप पे चेक करके बताऊं? कोई जरूरत नहीं है, ये रास्ता तो मैप पर होगा ही नहीं। ए, मैं सीरियसली कह रही हूँ, मजाक समझ रही हो? मैं मजाक क्यों करूंगी तुमसे। आराम से। ओके, बाय। मेरी बात ध्यान से सुन, उसे होटल छोड़कर जल्दी घर जाना, समझा? क्या उल्टा सीधा सोच रही है? तू तो मुझे जानती है ना, इसी बहाने कुछ बात हो जाएगी। हा? अब जाओ। ये क्या अपने दांत दिखाकर हंस रहा है? बाय, सी यू। ध्यान रखना। पैदा होते ही फोटो भेजूंगा। हाँ, जरूर भेजना। ओके, कीप इन टच। ओके, बाय, टेक केयर। बाय। ए? क्या? तू नहीं सुधरेगा। ए? जानू। क्यों? जब शुभा नहीं होगी तभी मुझसे बात करोगे, है ना? राम। हाँ? तुमने शादी क्यों नहीं की अभी तक? क्या जल्दी है, कर लूंगा कभी भी। राम, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, बताओ शादी क्यों नहीं की? क्या करूं, कोई लड़की नहीं मिली। प्लीज बता दो ना राम, मुझे जानना है। भले ही मेरी वजह से ना की हो, पर फिर भी मुझे बता दो प्लीज, क्यों शादी नहीं की? ए, 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 ए। राम, बताओगी या नहीं? जानू होटल आ गया। राम, तुम मुझे सिर्फ ड्रॉप करने आए थे? नहीं नहीं,
सुबह ने कहा था कि मैं तुम्हें मुझसे बात करना जरूरी नहीं लगता। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, मैं कल सुबह तुम्हें एयरपोर्ट के लिए पिक करने आऊंगा, मेरा नंबर ले लो। जानू मैं जानबूझकर चले गए क्या? हाँ बोलो कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं कहाँ हो तुम? जानू बहुत दूर पहुंच गए क्या? दूर चले गए हो क्या राम? मैं वहीं खड़ा हूँ जहाँ तुम मुझे छोड़कर गई थी। कर सकती क्या? सॉरी 22 साल। थैंक्स जानू। अब बताओ कहां जाना चाहती हो? सुबह सुबह सुबह। हाँ सुबह। कहाँ है तू? गिंडी के पास। उसे होटल छोड़ दिया ना? हाँ छोड़ दिया, मैं रास्ते में ही हूँ। कुछ कहा उसने? नहीं तो माँ बाबा के बारे में पूछ रही थी। हम होटल पहुँचे, मैंने उसे ड्रॉप किया और आ गया। ओके। हाँ ठीक है, अब ज्यादा सोचना मत और सो जाना। हाँ ओके, मैं सुबह फोन करूंगी। ओके हेलो। कहाँ हो तुम? मैं अपने रूम में हूँ। अच्छा कल सुबह कितने बजे की फ्लाइट है तुम्हारी? 5:50 AM। तुम यहाँ से त्रिची जाओगी? हाँ यहाँ से त्रिची और फिर सिंगापुर। ठीक है, पहुँच कर फोन जरूर करना, कम से कम मैसेज तो। ठीक है ओके। ठीक है ओके बाय।